वेल इवनिंग नहीं नाइट हो गया अभी अभी मैं जा रही हूँ शियालदा स्टेशन एंड किस लिए वो तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा। यस हम तारापीठ जा रहे हैं तो रात के 11:30 बजे ट्रेन है अभी ऑलमोस्ट 9:30 हुआ है थोड़ी देर बाद हम निकलेंगे शियालदा के लिए। और मेरी फ्रेंड भी आ गई है कस्तूरी वो अभी थोड़ा मेकअप कर रही है हम जाएंगे थोड़ी देर बाद स्टेशन के लिए तो मिलते हैं स्टेशन पे। सो हे गाइस दिस इज सिंडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम बैक टू अनदर न्यू एक्साइटिंग व्लॉग। तो जैसे कि मैंने बताया मैं शियालदा पहुंच गई हूँ ये है ट्रेन और ये सब मेरे फ्रेंड्स भी आ गए हैं बाकी के फ्रेंड्स जनरेटर का बहुत आवाज़ हो रहा है तो फाइनली हम जा रहे हैं तारापीठ और हमारा ट्रेन का नाम है पौधादीप जो कि 11:30 को है। हम थोड़ा जल्दी बहुत जल्दी आ गए अभी 1 घंटा टाइम है थोड़ा चिल करते हैं यहाँ पे रेस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी है और आज रात हमारी नींद की बैंड बजने वाला है सही तो उम्र 12:00 बज गए गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह आके थोड़ा सा हम सो गए थे पावर नैप ले रहे थे नहीं तो सुबह तबीयत खराब हो जाता। अभी नहा धो के रेडी हो गए हैं पूजा देने के लिए जा रहे हैं और ये है मेरा होटल जहाँ पे हमने स्टे किया। ओके सो हम आ गए हैं एंड हम जा रहे हैं पूजा लेने। ओके सो अभी हम खड़े हैं लाइन पे 1 घंटा जाएगा हमने पूजा दे दिया है बट घंटा ऑलमोस्ट 1 आवर वो भी पेड लाइन था 500 का लाइन उसके लिए 1 घंटा लाइन में खड़ी थी। और ये सामने का लाइन जनरल है ये लोग कब मंदिर में जाएंगे भगवान ही जाने मतलब पैसा देके बिना पैसा देके और ऊपर से भीड़ अंदर जाके ठीक से दर्शन भी नहीं कर पाते धक्का मुक्की करके निकल देते तो ये पैसे ही देना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है अभी जाके यहाँ से निकल के दूसरा जगह जाते हैं साइट सीइंग के लिए। अभी थोड़ा हम मार्केट में घूम के देख रहे ठीक है थोड़ा शॉपिंग करते हैं। एक बार सुमोना के फोन कर। तो ये पीछे है हमारा होटल जो कि बहुत ही पीसफुल मतलब एनवायरनमेंट है यहाँ पे है ना। कभी भी आप अगर तारापीठ आएंगे तो इस होटल में एक बार विजिट कीजिए रहना नहीं पड़ेगा सिर्फ आकर बाहर से देख जाइए जो एटमॉस्फेयर है तारापीठ में इतना होटल है किसी में ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा पीसफुल फैमिलियन एटमॉस्फेयर एकदम। अभी थोड़ा सामने जाएंगे उधर खेत है तो सुमना को और भी अच्छा लग रहा है क्योंकि उसको एक पपीता मिला है पपीता उसको अकेले नहीं मिला है सबको मिला है। ये है हमारा होटल पूरा ग्रीन ही ग्रीन हाँ इतना इधर पेड़ है झूला है बहुत अच्छा लग रहा है शांत है एकदम।
কার লাগি তুই হাত বাড়ি थोड़ा सा साइट सीन के लिए निकले हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि कौन सा ओरिजिनल है समझ नहीं आ रहा है, सब बुला रहे सब घर है। ये बामा खापा जो है थाड़ा माँ की सबसे बड़ी भक्त, उनका घर देखने के लिए आए हैं, बट सब बुला रहे हैं कौन सा ओरिजिनल घर है समझ नहीं आ रहा है। कौनटा ओरिजिनल कौनटा पोल्टा डान दिखे। यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, बामा खापा का एक्चुअली ये एरिया में उसका जन्म हुआ था, तो उसका फैमिली मेंबर एक एक पार्ट में डिवाइडेड हो गया, तो जितना जितना पार्ट में डिवाइडेड हुआ उतना उतना पार्ट ही उसका ओरिजिनल बाड़ी वो लोग डिमांड, वो लोग बोलता है यही। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि है कौन सा, हाँ, कौन तो कौन? हम लोग को भी थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा ये कौन सा है, कहाँ पे जाएंगे हम, कौन था सबाई तो डाक से वो दादा वाला था, कौन था बोल लो। सो फाइनली एक मिला, फाइनली हम लोग सर्च किया बामा खापा का ओरिजिनल जो घर है, हम लोग अंदर एंटर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ का नियम ही कुछ ऐसा है। आए हैं मंदिर के उधर ही, यहाँ पे शमशान है बहुत फेमस है, वहाँ पे थोड़ा जाएंगे एंड थोड़ा मार्केट घूमेंगे, उसके बाद हम होटल जाके चेकआउट करके निकल जाएंगे। आज ही एक दिन के लिए आए थे तो चेकआउट करना पड़ेगा, ट्रेन है हमारा 10:30 बजे, मैं देखती हूँ अगर अंदर शूट करने देगा तो मैं फुटेज आपको दिखाऊंगी। ये है शमशान, बहुत ही सैक्रेट प्लेस है, इसको महा शमशान बोलते हैं। पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक चूल्ही नहीं था, अभी दिया है। तारापीठ आए हैं तो थोड़ा लैंगसा भी लेना पड़ेगा, ये 20 रुपीज, 10 रुपीज एंड 6 रुपीज का, इतना सस्ते में इतना बड़ा साइज का दे रहा है दादा, हम को वेटर दी 10 का। ओके गाइस, सो हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमारा ट्रेन का टाइम हो गया तो चेकआउट करेंगे। हाँ माँ बोलो। लास्टली एक बात बोलूंगी, ये होटल मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये थोड़ा दूर है मंदिर से एंड थोड़ा शांत जगह है तो मुझे अच्छा लगा। मंदिर के सामने भी बहुत सारा होटल है लेकिन इतना कैओस में रहने से मुझे लगता है थोड़ा दूर आके अच्छा ही लगेगा आप लोगों को अगर आप आओ तो। होटल का नाम है गोल्ड गेस्ट हाउस, वो मैं पहले बताना भूल गई, और आफ्टर लाइक 5 to 6 years बाद में तारापीठ आई हूँ, तो अभी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है पूजा देखे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग। कुछ बोला जाता है, बोला दे टाटा।